नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमने करंट जीके की सीरीज चला रखी है और आप देखोगे कि करंट जीके आपके हर एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट है। आप एसएससी को लो, चाहे आप रेलवे को लो, चाहे एचएसएससी को लो, चाहे दिल्ली पुलिस को लो, चाहे आप चंडीगढ़ पुलिस को लो, आप देखोगे कि जीके का जितना पोर्शन है उसमें 60% करंट जीके ही आपको मिलती है। तो बिना वक्त गवाए आज हम अपनी सीरीज को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम 5, 6 और 7 जनवरी 2020 की करंट जीके करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि यूएनओ ने हाल फिलहाल में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी के रूप में घोषित किया है। तो क्या है, यूएनओ ने नोबेल प्राइज विनर कौन है, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई कहां से है, ये पाकिस्तान से है, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी के साथ में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो मलाला यूसुफजई को दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी या फिर मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ द डिकेड के रूप में घोषित किया है, के रूप में घोषित किया है किया है। तो देखो, यहां पर हम थोड़ा सा एक यूएनओ के बारे में और पढ़ते हैं। तो यूएनओ है कब बना था, हमें सबको पता है। यूएनओ तो पहले तो क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूएनओ के नाम से जानते हैं, ठीक है। यूएनओ कब बना था, ये बना था 24 अक्टूबर 1945। एक बार एचएसएससी ने आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा था कि भारत है यूएनओ का सदस्य कब बना, तो भारत 1945 के अंदर ही बन चुका था। हालांकि आपको पता है कि 1947 में हम आजाद हुए थे, हम आजादी से पहले यूएनओ के सदस्य बन चुके थे। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय की बात करें तो इसका न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर। पता है क्या कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में सैन फ्रांसिस्को के अंदर रूजवेल्ट ने मीटिंग बुलाई भी। आपने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम डाल दिए गए थे, तो बोलने लगे कि भाई ऐसे तो देश पूरा तबाह हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसमें सारे देश एक साथ में आ जाए, जिसमें सुरक्षा को लेकर, व्यापार को लेकर, सारे संबंधी आपस में आदान प्रदान विचार का वो हो सके। तो यूएनओ का गठन किया गया। कहां पर हुआ था, सैन फ्रांसिस्को के अंदर इसका क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा और आगे पढ़ते, देखो यूएनओ तो हमें पता था, यूएनओ बनके तैयार हो गया। यूएनओ के अंदर क्या है, देखो, आप सब ना महासुर, आप सब ना महासुर। देखो ये ट्रिक है, इसके अंदर यूएनओ के जितने भी अंग हैं उसके बारे में इसके अंदर है। देखो आ से है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। प्रन्यास परिषद, जिसको हम बोलते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। सचिवालय, सेक्रेटेरिएट के नाम से बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा और सुरक्षा परिषद, ठीक
ठीक है, ये यूएनओ के अंग है। आप देखोगे कि इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इसका ही हेडक्वार्टर द हेग के अंदर है। कहां पर है? द हेग के अंदर है, नीदरलैंड के अंदर है द हेग। ठीक, यहां पर क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और हर एक इनका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। इसका भी न्यूयॉर्क के अंदर मुख्यालय है, इसका भी न्यूयॉर्क के अंदर है, ये भी न्यूयॉर्क के अंदर है, ये भी न्यूयॉर्क में है, और इसका भी न्यूयॉर्क के अंदर है। अब देखो कि यूएनओ के अंदर कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। यूएनओ के अंदर भाषा बोली जाती है शाहरुख खान का फेस, ठीक है, ये भाषा बोली जाती है। कौन कौन सी? ये होगी स्पेनिश, स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज और इंग्लिश, ये भाषा बोली जाती है। कहां पर? यूएनओ के अंदर बोली जाती है। और आप देखोगे कि यहां पर विट्टो पावर भी, पांच सदस्य विट्टो पावर, किस किसके पास में? फ्रेंस, पांच सदस्य जिसके पास विट्टो पावर है, ये है फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। ठीक है, ये क्या था? ये हमने यूएनओ पढ़ा है। आप जल्दी से यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले ले और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि यूएनओ ने मलाला यूसुफजई को टीनेजर ऑफ द डिकेड तो घोषित कर दिया। और आपको पता कि मलाला यूसुफजई क्या है? नोबेल पुरस्कार विजेता है। थोड़ा सा हम इंडिया के नोबेल विनर्स की बात कर लेते हैं कि अभी तक इंडिया के अंदर किस किस ने नोबेल पुरस्कार जीता है। तो उसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, क्या थी? कि रवि सर, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अभी तक। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या क्या है। देखो रवि से रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता। कब मिला था इनको? 1913 के अंदर मिला था। और किसमें? साहित्य के अंदर मिला था इनको। किसमें मिला था नोबेल पुरस्कार? साहित्य के अंदर मिला था। सर, सर वेंकट रमन, सीवी रमन, सर सीवी रमन 1930 को मिला था इनको। और फिजिक्स के अंदर मिला था। किसमें मिला था? फिजिक्स के अंदर 1930 के अंदर मिला था। हमारे से हरगोविंद, हर गोविंद खुराना, हर गोविंद खुराना 1968 को मिला था इनको। और किसमें? मेडिसिन के अंदर मिला था। किसमें मिला था इनको? मेडिसिन के अंदर। सुबह से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनको कब मिला था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था 1983। और किस चीज में मिला था इनको? इनको मिला था फिजिक्स के अंदर मिला था। ठीक है, आ से अमृत सेन, अमृत सेन 1998 के अंदर मिला इनको। किसमें? अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र के अंदर मिला है, इकोनॉमिक्स के अंदर मिला था इनको। मैं से मदर टेरेसा, मदर टेरेसा 1979 शांति के लिए मिला था इनको। किसके लिए मिला था? शांति के लिए। एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा हो आपसे ये। ना से वी एस नायपाल, वी एस नायपाल, ठीक है, वी एस नायपाल को 2001 के अंदर मिला था। और किसमें? साहित्य के अंदर मिला इनको। किसमें मिला है? साहित्य में। बी से, बी से है, अब यहां लिख देते थोड़ा सा, वेंकट रमन, वेंकट रमन रामाकृष्ण, वेंकट रमन रामाकृष्ण इनको कब मिला था? 2009 के अंदर मिला था। इनको कब मिला है? 2009 में। और किसके अंदर मिला है? किसके अंदर मिला था? केमिस्ट्री के अंदर मिला है, रसायन। किसमें मिला है? केमिस्ट्री रसायन में। कैसे? कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी कब मिला इनको? 2014 के अंदर। मलाला यूसुफजई के साथ में मिला था इनको। और इसको किन के मिला? शांति के अंदर मिला इनको भी शांति नोबेल पुरस्कार। और रिसेंटली किसको मिला है? अभिजीत बनर्जी को, अभिजीत बनर्जी
2019 के अंदर मिला, और किस में? अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र के अंदर मिला। ठीक है, ये कौन थे? ये सारे के सारे भारतीय है जिन्होंने क्या जीता हुआ है, नोबेल पुरस्कार जीता हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था कि अभी तक सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार किस में, कौन से स्टेट ने जीता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा वेस्ट बंगाल, इसका आंसर था। ठीक है, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि बात करते कि अभी हाल फिलहाल में अमेरिकन डिक्शनरी ने दे वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। हालांकि इस रेस के अंदर आप देखोगे #MeToo कैंपेन भी चला हुआ था, #MeToo है उसको पछाड़ के दे वर्ड है वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। देखिए, अमेरिकी डिक्शनरी मरियम वेबस्टर द्वारा तटस्थ सर्वनाम शब्द दे, सर्वनाम शब्द दे को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, किसको पछाड़ा? #MeToo को पछाड़ दिया इसने भाई। ठीक है, MeToo एक कैंपेन चलवा था उसको पछाड़ के क्या गया, वर्ड ऑफ द ईयर बना गया। अब आपको पता है कि वाशिंगटन डीसी की कैपिटल है यूएसए, अमेरिका की कैपिटल कौन सी है? वाशिंगटन डीसी। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट हमें सबको पता है कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। और उसके सांसद को किसके नाम से जानते हैं? संसद को सीनेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम संसद को? सीनेट के नाम से जानते हैं। और बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? माइक पेंस। ठीक है, ये है। और पता है आपको 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आजादी मिली थी। और इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है डॉलर। कौन सी है? डॉलर इसकी मुद्रा है। अब देखो डॉलर वाले देश के बारे में पढ़ते हैं तो एक शॉर्ट ट्रिक है, सी न्यूज आज तक, ये है। देखो सी से सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जमैका, ऑस्ट्रेलिया, आ से अमेरिका, जैसे जिम्बाब्वे, तैसे ताइवान, और कैसे कनाडा। ये वो देश है जिसकी मुद्रा क्या है? डॉलर इसकी मुद्रा है। या तक आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि सीएससी क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर। सीएससी ने फास्टैग के लिए पेटीएम के साथ समझौता किया है। अब देखो कि फास्टैग है क्या। आप देखोगे कि टोल प्लाजे के ऊपर एक पट्टी होती है जिससे आपको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा दूर से, और वैसे ही जैसे ही डिटेक्ट करेगा आपको अलाउ कर दिया जाएगा। फास्टैग किसके ऊपर काम करता है? फास्टैग FRID के ऊपर काम करता है, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन उसके ऊपर काम करते हैं। फास्टैग किस पे काम करेगा? फास्टैग की बात करें तो RFID के ऊपर काम करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, किसके ऊपर काम करता है? RFID के ऊपर काम करता है। अगर बात करें सीईओ, सीएससी का सीईओ तो कौन है? वो दिनेश त्यागी है। सीएससी का सीईओ यह है दिनेश त्यागी। और हमें पता है पेटीएम
पेटीएम की बात करें तो अगस्त 2009 में बना था और हेडक्वार्टर का इसका नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा की फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नोएडा की फुल फॉर्म है। और इसके फाउंडर, फाउंडर बोल दो एंड सीईओ, प्रेजेंट सीईओ कौन है, वो फाउंडर भी है, वो है विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा। उसके बाद में आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं कि भारत क्यूबा, क्यूबा कहां पर है? क्यूबा आपको पता है वेस्ट इंडीज आइलैंड से, वहां पर क्यूबा है। भारत क्यूबा में सोलर पार्कों के लिए या फिर उनके निर्माण के लिए 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देगा, यानी कि इतने रुपए देगा, किसको देगा? क्यूबा को देगा। कौन देगा? भारत देगा। अब पता किस किस के बीच में करार हुआ? इंडिया की तरफ से तो एक्जिम बैंक है। कौन है? एक्जिम बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, ये तो है इंडिया का, ठीक है। और दूसरी तरफ से बात करें तो इसमें कौन है? इसमें है बैंको एक्सटीरियर डी क्यूबा, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। अब देखो क्यूबा की राजधानी की बात करें, क्यूबा की राजधानी है हवाना। कौन सी है? हवाना। और इसकी मुद्रा है पैसो, और इसके राष्ट्रपति है प्रेजेंट है मिगेल डियास कानेल, ठीक है, मिगेल डियास कानेल इसके राष्ट्रपति है। अब देखो एक थोड़ी सी पता है क्या कि क्यूबा स्वतंत्र होने के बाद में यहां पर एक क्या था कि राजा राज करने लगा था, इसमें राजतंत्र हो गया था, और फिदल कास्त्रो एक व्यक्ति था यहां पर, ठीक है। फिदल कास्त्रो ने क्या किया था, जनवरी 1959 में अभियान शुरू किया था। वो कौन था? वो फिदल कास्त्रो था। फिदल कास्त्रो, इन्होंने ही यहां पर क्या था, तानाशाही भगवाई थी, तानाशाही से निजात पाया। किसकी देखरेख उसमें हुआ था? ये सारा का सारा फिदल कास्त्रो की देखरेख में हुआ था, ठीक है। रिसेंटली अभी फिदल कास्त्रो का भी निधन हो गया। अब यहां पर इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले और फिर थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं कि कोलकाता पुलिस ने स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सुकन्या परियोजना का तीसरा चरण शुभारंभ किया है। तो क्या है? कोलकाता पुलिस ने स्कूल व कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सुकन्या परियोजना का तीसरा संस्करण प्रारंभ किया। कौन सा संस्करण है? कि अगर बात करें पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल 26 जनवरी 1950 को बना था। कब बना था ये? 26 जनवरी 1950 को बना था पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और जगदीप धनखड़ इसके क्या है? ये राज्यपाल। और ममता बनर्जी क्या है? इसकी मुख्यमंत्री है, सीएम है किसकी? पश्चिम बंगाल की। आगे बढ़ते हैं
कि दिल्ली एम्स के ENT विभाग के प्रमुख डॉक्टर थे सुरेंद्र चंद्र शर्मा को अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का क्या बना दिया गया, पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दिल्ली एम्स के ENT आग नाक गले वाला ENT विभाग के प्रमुख सुरेंद्र चंद्र शर्मा को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है। पता क्या है कि NMC की बात करें, नेशनल मेडिकल काउंसिल की बात करें, तो ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह ही बना है। किसकी जगह? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। और इसका जो ये बनाए गए हैं प्रमुख बनाए गए, या 3 साल या फिर 70 साल, जौन सा भी पहला होगा इसका कार्यकाल इतने साल करेगा, या तो पहले वो 70 साल के हो जाए या फिर 3 साल, ठीक है। या तक आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हरजीत कौर जोशी को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का CMD चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। आगे क्या है कि अभी भारतीय मूल की दुबई में रहने वाली एक 13 वर्षीय किशोरी सुचेता सतीश को 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड से नवाजा गया है। देखो, भारतीय मूल की दुबई में रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी सुचेता सतीश ने 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी पुरस्कार जीता है। अपने नाम किया इन्होंने ये पुरस्कार। अब आपको पता है कि दुबई कहाँ है, क्वेश्चन ये आता है कि दुबई है कहाँ? UAE के अंदर दुबई है। कहाँ पर है? UAE, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? अबू धाबी इसकी कैपिटल है। और आपको पता है कि इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा है दिरहम। कौन सी मुद्रा है? दिरहम। बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान, और इसके प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, ठीक है। ये इसके क्या है? ये इसके प्रधानमंत्री है। और क्या आगे? और हाल फिलहाल में ही इरफान पठान क्रिकेटर ही है, ये क्या है? क्रिकेटर है, ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, ठीक है। और क्या है? और एक कंपनी है, वो कंपनी कौन सी है? REVFIN, ठीक है।
ने पीएनबी मेटल लाइफ, पीएनबी मेटल लाइफ ने जीवन बीमा कवर के लिए हाथ मिलाया। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं कि वडोदरा की आयुषी ढोलकिया ने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीता है। क्या वडोदरा की आयुषी ढोलकिया ने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीता? कौन थी ये आयुषी ढोलकिया थी। कहां से है ये वडोदरा से संबंध रखती है। अगर बात करें कि पहले रनर अप की, फर्स्ट रनर अप की, ठीक है, वो कौन थी? परागवे की यसोनिया ग्रासिया, ठीक है, या ग्रासिया ग्रेशिया, ये थी फर्स्ट रनर अप। और सेकंड रनर अप कौन थी? सेकंड रनर अप बोत्साना की एनिसिया गाउतुसी, ये सेकंड रनर अप थी। ठीक है, याद रखना है ये बोत्साना की एनिसिया गाउतुसी को ये मिस टीन अफ्रीका भी बनी है। ठीक है, कौन सी? मिस टीन अफ्रीका भी चुनी गई है, यही चुनी गई है। और मिस एशिया कौन चुनी गई है? वियतनाम की थू फान है, वो मिस टीन एशिया चुनी गई है। और पेरिस की मारिया लुइसा, ये मिस टीन यूरोप चुनी गई है, मिस टीन यूरोप चुनी गई है। और ब्राजील की अलेक्सेंड्रा सेंटोस, ये मिस टीन अमेरिका चुनी गई है, मिस टीन अमेरिका चुनी गई। आगे देखते हैं कि अडानी पोर्ट्स ने आंध्र प्रदेश में स्थित कृष्णापट्टनम पोर्ट की 75% भागीदारी खरीदी। ठीक है, ये किसने खरीदी है? अडानी पोर्ट्स ने खरीदी है। आगे है, खगोलवादियों ने सबसे दूर आकाशगंगा समूह EGS-77 की खोज की है। ठीक है, कौन सा था? EGS-77। यहां तक आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं, कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल TN चतुर्वेदी का निधन हो गया। याद रखना, TN चतुर्वेदी पहले कैग भी रह चुके, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ
इंडिया भी रह चुके हैं। कौन? टीएन चतुर्वेदी। अब देखो कर्नाटक बना कब था? कर्नाटक 1 नवंबर 1956 में बना था, 1 नवंबर 1956 में बना। और इसकी कैपिटल राजधानी क्या है? बेंगलुरु, बेंगलुरु ये इसकी राजधानी है। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है वज्जूभाई वाला, ठीक है, वज्जूभाई वाला। और इसके सीएम मुख्यमंत्री है बी एस येदुरप्पा है। याद रखना यहां पर तीन डेप्यूटी सीएम हैं। और तीन डेप्यूटी सीएम कौन कौन है आप देखो, कौन कितने डेप्यूटी सीएम है? तीन डेप्यूटी सीएम है। कौन कौन से है? सी एन अश्वथ नारायण, गोविंद करजोल, लक्ष्मण सवार्दी। ये है तीन डिप्टी सीएम कर्नाटक के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं के श्रीकांत व अंजुम चोपड़ा को सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। ये कौन देती है? बीसीसीआई देती भाई, बीसीसीआई। और आपको उत्तर बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन? हाल फिलहाल में बीसीसीआई के अध्यक्ष है सौरव गांगुली, ठीक है। कौन है बीसीसीआई के अध्यक्ष? सौरव गांगुली। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेंगलुरु में महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन हुआ। और इसके चीफ गेस्ट कौन थी? चीफ गेस्ट थी डीआरडीओ के एरोनॉटिकल सिस्टम की डायरेक्टर और मिसाइल वुमेन के नाम से प्रख्यात कौन थी? डॉक्टर टेसी थॉमस। ये चीफ गेस्ट थी, ठीक है। इसकी अगर बात करें डीआरडीओ फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ठीक है। और ये कब बना था? ये बना था फॉर्म्ड 1958 में। और इसके चेयरमैन कौन है? अभी चेयरमैन या इसके डायरेक्टर बोल दो आप, इसके डायरेक्टर है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी इसके क्या है? डायरेक्टर है, ठीक है। या तक आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका और फिर आगे बढ़ते हैं। ये था 5, 6 और 7 जनवरी 2020 की करंट जीके। और हमारे YouTube चैनल को आप जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करते रहे। और बने रहे एम्बिशन क्लासेस शिवानी के YouTube चैनल के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।